सत श्री अकाल जी, सुरखा टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत कौर। शुरुआत करते हैं अज दी ताज़ा मुख्य खबरों को। सरकार दे वल्लों लियांदे गए UAPA वर्गे काले कानून की अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने की सख्त शब्दों में निखेधी। जथेदार ध्यान सिंह मंड ने कैप्टन नूं दित्ती खुली चेतावनी, जेकर सरकार ने मंगां ना मनियां तां 6 सितंबर नूं बरगाड़ी दे नालों वी लावांगे वड्डा मोर्चा। पाकिस्तान दे विच ननकाणा साहिब तों वापस परत रहे रेल हादसे दौरान मारे गए सिख श्रद्धालुआं दे परिवारां नूं SGPC देवेगी 1-1 लाख रुपया। ढींसा ने पार्टी दे मुख दफ्तर उपर वी जताया अपना हक। ढींसा दी इस कारवाई तों बाद अकाली दल ने कीता वड्डा ऐलान, कहा कांग्रेस दी शह उत्ते ही हो रहा है ये सब कुछ। कोरोना के चलदियां पंजाब दे सरकारी स्कूलों की हो रही है बल्ले बल्ले। 1.25 लाख विद्यार्थियों ने प्राइवेट स्कूलों नूं छड्ड के सरकारी स्कूलों दे विच लिया दाखला। CBSE दा वड्डा फैसला, सिलेबस घट करन दे नाल नाल हटाया धर्म निरपक्षता ते जात पात दा चैप्टर। पंजाब दे विच दाखल होने वाले सारे लोगों नूं हुई सौख। सरकार ने ई रजिस्ट्रेशन संबंधी लोगों के सारे सवालों के जवाब किए वैबसाइट उपर अपलोड। अमरीका ने अधिकारित तौर उत्ते WHO विश्व सेहत संगठन के नालों तोड़िया नाता। WHO नूं दिते जाण वाले सारे फंड किए रद्द। कार कंपनियों के वलों चुके गलत फायदे तो बाद सुप्रीम कोर्ट का आया वड्डा फैसला। 31 मार्च तो बाद वेचे गए वाहनों की नहीं होगी रजिस्ट्रेशन। हुण जानते हाँ खबरां विस्थार दे नाल। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सरूप की चोरी ते बेअदबी मामले दे विच सियासत लगातार गरमाई हुई है। राम रहीम दा विच नाम आने तो बाद ए जिहड़ी होर ज़्यादा मुद्दा वड्डा बन गया है। इस विचाले मुतवाजी जथेदार भाई ध्यान सिंह मंड ने बरगाड़ी मोर्चे नूं लैके एक ऐलान किया है कि इस तों बाद हुण ए होर वड्डा संघर्ष किया जाएगा। बेअदबी ते गोलीकांड दे केसां तों इलावा मुतवाजी जथेदार भाई ध्यान सिंह मंड ने बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते बरगाड़ी दे लगभग 6 महीने दे मोर्चे विच कांग्रेस सरकार दे वल्लों कीते वादे पूरे ना होण ते सरकार नूं 2 महीने दा अल्टीमेटम दिता है। उन्हां कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बेअदबी ते गोलीकांड दी जांच कर रहीआं दोनों SIT जांच टीमां पूरी ईमानदारी दे नाल अपना काम कर रहीआं ने। इस वास्ते उन्हां दी शलाघा भी कीती, पर सरकार दी जिहड़ी कारगुजारी है वह बहुत हौली चल रही है। उन्हां कहा एक इस केस दे असल दोषी हजे भी पुलिस की पहुँच तो बाहर ने। संघर्ष उदों तक जारी रहेगा जदों तक वो लोग पुलिस की पकड़ विच नहीं आ जाते। भावें कि यह सबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की सरकार होए जां फिर सबका उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल जी जां डेरा सिरसा मुखी दी ते जां फिर हुण मौजूदा सरकार होए। उन्हां कहा बरगाड़ी मोर्चे के दौरान सरकार की नुमाइंदगी करन पहुंचे 3 वजीरां ने वादा किया कि उन्हां दीआं 3 मंगां पूरीआं होणगीआं ते इस वादे उत्तों बाद ही जिहड़ा धरना है वह खत्म कर दिता गया सी, पर सरकार अपना वादा भुल चुकी है। जेकर सरकार 2 महीनों के जांच पूरी करन तो बाद 3 मंगां नूं पूरा नहीं करती तो तख्त श्री दमदमा साहिब दे वल्लों आउंदे 6 सितंबर नूं वड्डा संघर्ष किया जाएगा। बरगाड़ी दे नालों भी वड्डा मोर्चा लाया जाएगा। पाकिस्तान विच पिछले दिनी रेल हादसे विच मारे गए सिख श्रद्धालुआं दे परिवारां नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वलों 1-1 लाख रुपए की मदद की जाएगी। ये ऐलान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल ने किया। इतने श्रोमणी कमेटी दफ्तर विखे पुजे भाई लौंगोवाल ने कहा कि पाकिस्तान के गुरु नानक देव जी के दे प्रकाश अस्थान गुरुद्वारा श्री ननकाणा साहिब तो वापस जा रहे श्रद्धालुओं की बस हादसा ग्रस्त होने करके जो सिखां दे परिवारां दे जो जी चलाना कर गए ने उन्हां दे नाल उन्होंने काफ़ी हमदर्दी जताई। इस दुखमई समय ते श्रोमणी कमेटी पीड़ितां दे नाल है। उन्होंने कहा कि भावें पीड़ित परिवारां दा जिहड़ा काटा उन्होंने पिया है वह कदें पूरा नहीं किया जा सकता, पर उन्हां दी मदद वास्ते मृतकां दे परिवारां नूं 1-1 लख रुपए दिते जाणगे। इस तों इलावा जो जख्मी होए ने इस हादसे विच उन्हां दे परिवारां नूं 50,000 रुपए की राशि दिती जाएगी। श्रोमणी कमेटी प्रधान ने पाकिस्तान सरकार नूं भी अपील की है कि वह पीड़ित सिख परिवारां दी बांह फड़न ते उन्हां नूं हर संभव मदद दिती जावे ते नाल ही रेलवे महकमे दे नाल संबंधित दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भाई लौंगोवाल ने यह भी कहा कि वह इस मामले दे विच पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री नूं भारत सरकार दे राहीं पत्र भी लिखणगे। उन्हें कहा कि श्रोमणी कमेटी मृतकों की आत्मक शांति वास्ते अखंड पाठ साहिब रखवाएगी। दस दईए कि शाह हुसैन एक्सप्रैस ट्रेन दखनी बंदरगाह शहर कराची तो लाहौर जा रही थी। इसे दौरान पूर्वी पंजाब सूबे के शेखपुरा विच फरूखाबाद ते बहाली वाला दे विचकार रेलवे क्रॉसिंग समय जिहड़ी ए बस आ इहनू एक रेल ने टक्कर मार दी। पुलिस मुताबक ये हादसा वैन चालक की लापरवाही के करके वापरिया। वो ट्रेन वेखे बिना जल्दबाजी के रेलवे क्रॉसिंग करन दी
कोशिश कर रहा है। मृतकों के विच ज़्यादातर सिख शरदालु सन ते घटना समय इन ननकाणा साहिब तो वापस परत रहे थे। पंजाब दे विच UAPA दे तहत जो सिख नौजवानों की फड़ो फड़ाई हो रही है, उन्होंने गिरफ्तारियां हो रही ने, उन्होंने लैके अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने इसका विरोध किया है। जथेदार साहब ने UAPA नूं काला कानून दस्या है ते नाल ही उन्हां पंजाब सरकार उत्ते निशाना लाउंदिआं कहा है कि पंजाब तो बाहरले सूबिआं दीआं कांग्रेस सरकारां वल्लों तां इस कानून का विरोध किया जा रहा है, पर इस दे उल्ट पंजाब विच इस कानून के तहत दर्जन तो वध सिख नौजवानों नूं गिरफ़्तार किया जा चुका है। इस तरह पंजाब सरकार के वल्लों दोगला किरदार निभाया जा रहा है। जथेदार ने कहा कि जिहड़े 1947 तो पहला काले कानूनों का विरोध कर रहे हैं, हुण उन्हां दे वल्लों ही ये काले कानून बनाए जा रहे हैं। सिंह साहब ने कहा कि यह काले कानून बर्दाश्त करन योग नहीं आ, ते अगे उन्हां कहा कि पंजाब दे जिहड़े भोले भाले सिख नौजवान आ उन्हां नूं सिर्फ कुछ पोस्टां शेयर करन करके ही निक्कियां निक्कियां जिहड़ियां गलतियां कीतियां जा रहियां ने इन्हां दे तहत थाणियां दे विच बिठाया जा रहा है, उन्हां दे उपर मामले दर्ज किए जा रहे हैं, कईयों के उपर परचे किए गए हैं, तो ये जिहड़ा सब कुछ आ इहनूं उन्होंने मंदभागा करार दिता है। पंजाब दे विच बच्चों के मापियां दे वल्लों अक्सर देखण दे विच आया है कि सरकारी स्कूलों के नालों ज़्यादा तवज्जो जिहड़ी है वह प्राइवेट स्कूलों नूं दित्ती जाती है, क्योंकि उन्होंने लगता है कि बच्चों का भविष्य जिहड़ा वह प्राइवेट स्कूलों के विच है, सरकारी स्कूलों के विच पढ़ाई नहीं हो रही, इत्थों दे जिहड़े अध्यापक आ वह भी सिर्फ बैक लो के वापस चले जाते हैं। तो अजिहे दे विच सिक्ख्या विभाग के हुण दे रिकॉर्ड अनुसार पंजाब के सरकारी स्कूलों में नवे दाखलों में 10.38% वाधा होया है। पिछले सैशन में विद्यार्थियों की गिनती 23,52,112 थी, जो कि इस साल बढ़ के 25,96,281 हो गई है। तकरीबन 1,15,000 विद्यार्थी जिन्होंने प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के सरकारी स्कूलों के दाखला लिया है। प्री प्राइमरी स्कूलों के 34.30 की दर के साथ सब तो वध दाखला होया, 22.14% दाखला लैके मोहाली पहले नंबर पर, फतेहगढ़ साहिब 15.78% के साथ दूजे, लुधियाना 15.28% के नाल तीजे स्थान उत्ते रहा है। जेकर वेख्या जाए तो हुण विभाग की जिम्मेवारी भी वध गई है, क्योंकि पंजाब दे विच ड्रॉप आउट वड्डी समस्या है। स्कूल खुलण तो बाद विभाग नूं इह यकीनी करना पवेगा कि बच्चे किसी कारण करके अपनी पढ़ाई तो खुंझण ना। दूजे पासे जेकर प्राइवेट स्कूलों की गल करिए इस समय 34.5 लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। सिक्ख्या मंत्री विजय इंद्र सिंगला ने कहा है कि सरकारी स्कूलों का बुनियादी ढांचा ते अध्यापकों का तजर्बा प्राइवेट स्कूलों के बराबर खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि मेहनती अध्यापकों नूं अगे वधन के मौके मिलने शुरू हो गए हैं। तालाबंदी के दौरान स्कूलों के ऑनलाइन क्लासा शुरू की गई ने, अध्यापक घर बैठ के भी विद्यार्थियों ऑनलाइन सिखा रहे हैं। सरकार ने बच्चों को पढ़ाने वास्ते दूरदर्शन की वरतों भी की है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों पंजाब सूबे विच दाखिल होने वाले सारे यात्रियों के वास्ते 6-7 जुलाई की अधी रात तो ई रजिस्ट्रेशन की जिहड़ी प्रक्रिया आ उन्हूं लाजमी कर दिता गया है। इस बाबत आम लोगों के वल्लों बहुत सारिया शंकावां ते सवाल सरकार नूं कीते जा रहे हैं। लोगों दीआं इन्हां शंकावां नूं दूर करन वास्ते पंजाब सरकार दे वैबसाइट उत्ते विस्थारत दे विच जानकारी भी अपलोड की गई है। एक सरकारी बुलारे ने दस्या है कि बहुत सारे लोग इस संबंधी सवाल पूछ रहे हैं कि पंजाब के वख-वख शहरां विच सफ़र करन दे वास्ते की ई रजिस्ट्रेशन जिहड़ी करवाउणी लाजमी है जां फिर नहीं, ते जेकर कोई बाहरले सूबे का व्यक्ति पंजाब विच आके अपने परिवारक मैंबरां नूं मिलके वापस जाना चाहता है ता कि इस सब दे बारे की प्रक्रिया है। बुलारे ने दस्या कि अजिहियां सारियां शंकावां ते जो भी लोगों के सवाल ने उन्हां दा जवाब सरकार की कोवा वैबसाइट उत्ते पा दिते गए ने। आम पुछे जाण वाले 13 सवालों के जवाब इस वैबसाइट के उपर अपलोड किए गए हैं, जिन्हां बारे लोगों के मनां विच कोई शंका सी। तुहाडे मन विच भी कोई शंका है तो तुसीं जिहड़ी पंजाब सरकार की कोवा वैबसाइट आ उत्ते जाके उत्ते विजिट कर सकते हो ते अपने सवालों का जवाब लै सकते हो। पटियाला दे पिंड दोदड़ा वासी भारतीय फौज दे 24 पंजाब रेजिमेंट दे जवान राजविंदर सिंह ने कश्मीर विच अतवादियों नाल लड़दिया होया देश तो अपनी जान मार दी। 53 राष्ट्रीय राइफल्स दे नायक राजविंदर सिंह दे परिवार वास्ते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 50 लाख रुपए के एक्स ग्रेशिया मुआवजे ते एक परिवारक मैंबर नूं सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। इहदे नाल ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शहीद के परिवार के नाल डूंघा दुख का प्रगटावा भी किया, उन्होंने नाल हमदर्दी जाहिर की। नायक राजविंदर सिंह ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा खेत्र दे विच देश की एकता और अखंडता की राखी करदिया अतवादियों के नाल बहादुरी के नाल लड़दिया शहीदी प्राप्त की है। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिवार को भरोसा दवाया है कि सूबा सरकार उन्हों की हर संभव मदद करेगी, उन्होंने सहयोग देगी।
शहीद सैनिक 24 मार्च 2011 नूं पंजाब रेजीमेंट विच शामिल होए ते सिखलाई पूरी करन तों बाद 24 पंजाब ज्वाइन कर ली। राजविंदर सिंह ने घातक पलटून जिहड़ी कि सब तों वध शरीरक ते मानसिक तौर उत्ते फिट सिपाहियां दी यूनिट है उहदे विच शानदार सेवावां निभाईआं सी, जिस तों बाद इस सैनिक ने खुद अपनी इच्छा दे नाल 53 राष्ट्रीय राइफल्स दे विच अपनी पोस्टिंग करवा ली, जिथे उसने जम्मू कश्मीर दे विच अपना फर्ज निभाउंदा होया अपनी ड्यूटी नूं पूरा करदिया होया शहादत प्राप्त की। संसद मैंबर सुखदेव सिंह टींडसा की अगवाई हेठ टकसाली लीडर दे वल्लों पार्टी दे उत्ते हक दे दावे ते श्रोमणी अकाली दल जिहड़ी उह खफाया उहनां तों। पार्टी तो बाहर होए टकसाली लीडर ने नवी पार्टी बनाने की थान श्रोमणी अकाली दल के उपर ही अपना हक जमा के सबनों हैरान कर दिता है। उन्होंने पार्टी के मुख दफ्तर के उपर भी हुण अपना दावा जताया है। उधर श्रोमणी अकाली दल ने इस कार्रवाई में गैर कानूनी करार दिंदिया टकसालिया उपर धोखाधड़ी करन दा इल्जाम लाया है। पार्टी के सीनियर लीडर दलजीत सिंह चीमा ने दोष लाया कि पार्टी के विचों शेकिया होया लीडर कांग्रेस की शह उत्ते सब कुछ कर रहा है। श्रोमणी अकाली दल एक सदियां पुरानी पार्टी है जो भारत के चोन कमिशन के कोल रजिस्टर्ड है। चीमा ने कहा कि उन्होंने जो कुछ किया 100% जालसाजी है, एक गैर कानूनी ते किसे धोखे फरेब तो घट नहीं आ, वो ये सब कुछ कांग्रेस की शह उत्ते कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ढींडसा नूं अपने तरीके दे नाल चलन का जमहूरी अधिकार है, पर साडा इतराज़ उन्होंने वालों श्रोमणी अकाली दल का नाम वरत के किया गया एक फ्रॉड है। ढींडसा चंगी तरह जानते हैं कि पार्टी के संविधान मुताबक पार्टी का ढांचा तो डेलीगेट ही पार्टी के प्रधान समेत होर सारे अहुदेदारां दी चोण करदे ने। सुप्रीम कोर्ट ने BS4 वाहनां उत्ते अपना फैसला सुनाउंदिआं 27 मार्च 2020 दे हुक्म नूं वापस लै लिया है। हुण इस फैसले दे तहत 31 मार्च तों बाद वेचे गए BS4 वाहन दा रजिस्ट्रेशन जिहड़ा ओह नहीं होवेगा। देश विच BS4 वाहनां दी विक्री ते रजिस्ट्रेशन करन दी इजाजत दी सुनवाई दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलरज एसोसीएशन दी फिटकार लाई है। कोर्ट ने कहा है कि देश में वाहनों नूं एक तयशुदा गिनती विच वेचण दी आग्या दित्ती सी, पर कार निर्माता कंपनियां ने इसका गलत फायदा चुक्या है। इस वास्ते असी अपना पुराना ऑर्डर वापस लै रहे हैं। केस की अगली सुनवाई 23 जुलाई नूं होवेगी। BS4 वाहन जो कि 31 मार्च तो बाद वेचे गए उन्हां दी रजिस्ट्रेशन हुण नहीं होवेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च के अपने आदेश नूं वापस लै लिया है। इहदा अर्थ यह है कि जेकर विक्री जिहड़ी है 31 मार्च तो पहला हुई उन्हां वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जे डीलर ने ई वाहन पोर्टल उत्ते डाटा अपलोड नहीं किया तो वह विक्री नूं नहीं मन्या जाएगा। ये गाहकां दे वास्ते एक वड्डा झटका भी है। मामला सारा की है, 27 मार्च नूं BS4 वाहन वेचण वास्ते कंपनियां नूं 10 दिन वाधू का समा दिता गया सी। लॉकडाउन के चलदियां 10 दिन का समा मिलिया, पर हुण सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साढ़े आदेश के नाल धोखाधड़ी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियां नूं 1,05,000 वाहन वेचण की आग्या दी सी, पर ऑटो कंपनियां ने 10 दिनों के अंदर अंदर 2,55,000 वाहन वेच दिते ने। इस करके जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सी वह वापस लै लिया है। उधर सैकेंडरी सिक्ख्या बोर्ड ने अपने पाठक्रम तो कुछ महत्वपूर्ण अध्याय नूं हटा दिता है। CBSE का यह कदम आने वाले दिनों में राजनीतिक गतिविधियां नूं तेज कर सकता है। किताबों के विचों अहम चैप्टर नूं हटाना सिलेबस नूं घटाउण दे नाम उत्ते किया गया है। मंत्रालय के आदेश मगरों CBSE ने यह ऐलान करदिआं कहा कि महामारी के करके कदम चुकया गया। बोर्ड ने 9वीं तो 12वीं जमातों में पढ़ाए जाते राजनीतिक विज्ञान के अर्थशास्त्र के शोध की है। 11वीं जमात में पढ़ाए गए राजनीति शास्त्र के सिलेबस में संघवाद, नागरिकता, राष्ट्रवाद ते धर्मनिरपक्षता वर्गे जड़े चैप्टर आ उन्होंने पूरी तरह न हटाने का फैसला किया है, जदों के स्थानक सरकार चैप्टर दियां 2 इकाइयां नूं हटा दिता गया है। 10वीं क्लास के विद्यार्थी लोकतंत्र ते विभिन्नता, लोकतंत्र तो पहला चुनौतियां ये चैप्टर कटे गए ने। 12वीं क्लास के राजनीतिक विज्ञान के सिलेबस में बोर्ड ने समकाली संसार में सुरक्षा, वातावरण ते कुदरती स्रोतां, भारत दियां समाजिक ते नवीं समाजिक लहरां ते खेतरी अभिलाषा वर्गे विषय हटा दिते गए ने। ते उधर केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS ने इस बार 9वीं ते 11वीं जमात के फेल विद्यार्थियों नूं अगली क्लास के बिना प्रीख्या लए प्रमोट करन दा फैसला किया है। दरअसल हुण संस्था अजिहे विद्यार्थियों नूं प्रोजैक्ट कम के आधार उत्ते अगली जमात में प्रमोट करेगी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार संगठन ने इस संबंध में अधिकारित नोटिफिकेशन भी जारी किया है। पहला इन्हां क्लासों के विद्यार्थियों वध तो वध 2 विषयों के फेल होने वास्ते सप्लीमेंटरी प्रीख्या देनी पैंदी सी। सप्लीमेंटरी प्रीख्या पास करन तो बाद ही अगली जमात में प्रमोट किया जाता सी। हालांकि इस बार कोरोना के मद्देनज़र सप्लीमेंटरी प्रीख्या नहीं ली जाएगी। यह फैसला स्कूल पद्धर उत्ते सप्लीमेंटरी प्रीख्या राही एक होर मौका देने के सुझाव तो बाद लिया गया है।
यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन वालों कॉलेजों ते यूनिवर्सिटियां नूं अंतम साल दे विद्यार्थियों दीआं प्रीख्यावां करवाउण दे निर्देश दित्ते जाण तों एक दिन बाद पंजाब सरकार 4 जुलाई नूं जारी कीते दिशा निर्देशां दी हुण समीक्षा कर रही है। कमिशन ने प्रीख्यावां नूं लाजमी कर दिता है, हालांकि इन्हां नूं सितंबर तक मुलतवी कीता जा सकता है ते इह ऑनलाइन जां फिर ऑफलाइन मोड दे विच वी हो सकदे ने। सकत्तर उच्च सिक्ख्या पंजाब राहुल भंडारी ने कहा है कि कोविड-19 स्थिति नूं ध्यान विच रखदे होए दिशा निर्देशां दी पड़ताल की जा रही है। UGC दे दिशा निर्देशों की उड़ीक करन तों बाद पंजाब सरकार ने 4 जुलाई नूं अपने दिशा निर्देश तैयार किए सी, जो कि प्राइवेट ते सरकारी संस्थावां नूं विद्यार्थियों नूं प्रमोट करन दी आग्या दे रहे सी। जिहड़ियां यूनिवर्सिटियां ऑनलाइन प्रीख्यावां दी प्रक्रिया कर रहियां ने उन्हां नूं उच्च सिक्ख्या विभाग दी मंजूरी तों बाद अजिहा करन दी आग्या दित्ती गई है। अंतिम क्लासां जां समैस्टरां विचले सारे विद्यार्थियों नूं पिछले इम्तिहान या फिर समैस्टर विच औसत ग्रेड के आधार उत्ते डिग्री या डिप्लोमे दिते जाणगे, जबकि इंटरमीडिएट क्लासां दे विच विद्यार्थियों नूं अगली क्लास या समैस्टर दे विच तरक्की दिती जाएगी। हालांकि घट्टो घट पास अंक या फिर ग्रेड तो घट औसत ग्रेड प्राप्त करने वालों नूं इम्तिहानां नूं क्लीयर करना ही पवेगा। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने भारत बायोटेक के नाल मिलकर कोविड-19 का टीका तैयार किया है ते इस टीके का नाम कोवैक्सीन रखा गया है। हैदराबाद दे विच निम्स विच इस दी मनुखी अजमायश भी शुरू हो गई है। इस दे नाल ही ICMR ने कई होर अदारियां नूं इस टीके दी ट्रायल वास्ते लिखा है। निम्स दे डायरैक्टर डॉक्टर के मनोहर ने कहा कि असी तंदुरुस्त व्यक्तियों की चोण करांगे, उन्हां दे खून की जाँच करांगे, नवी दिल्ली विच मनोनीत प्रयोगशाला विच खून दे नमूने भेजांगे। जेकर हरी झंडी मिलती है तो टीके के पहले शॉट नूं सही निरीक्षण किया जाएगा। दस दिए कि हाल ही विच ICMR ने भारत के पहले कोरोना टीके वास्ते 12 संस्थावां नूं पत्र लिखा सी। दसिया जा रहा है कि इन अदारियां विच पटना एम्स भी शामिल है। इन अदारियां नूं अंदरूनी कमेटी तों लोड़ींदी प्रवानगी मंगण दे आदेश दिते गए ने। पत्र विच जो निर्देश दिते गए ने उन्हां दी पालना ना करन ते जो उन्हां दी पालना नहीं करदे उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। US दे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अधिकारित तौर उत्ते अमरीका नूं WHO यानी कि विश्व सेहत संगठन तो वख कर लिया है। अमरीका दे संसद मैंबर बॉब मैंडेस ने मंगलवार नूं ट्वीट करके इस बारे जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नूं राष्ट्रपति दे दफ्तर तो जानकारी मिली है कि कोरोना महामारी दे दरमियान अमरीका ने अधिकारित तौर उत्ते WHO तो वख कर लिया है अपने आप नूं। महामारी दे विचकार ट्रंप दा यह फैसला अमरीका नूं अलग कर देवेगा। ध्यान देने योग है कि ट्रंप ने WHO उत्ते दोष लाया सी कि यह संगठन पूरी तरह नाल चीन दे कंट्रोल हेठ है अते अमरीका इस नाल अपने सारे संबंध तोड़ रहा है। WHO उत्ते कोरोना वायरस की रोकथाम बारे सही जानकारी मुहैया ना करवाउण दे दोष भी लगाए गए सी। ट्रंप ने अप्रैल में WHO नूं दित्ती जाण वाली सारी सहायता रोकदिआं कहा सी कि जेकर संगठन 30 दिनों के अंदर अंदर कोई सुधार नहीं करता तो अमरीका हमेशा वास्ते WHO नूं सहायता फंड जिहड़ा उह रोक देवेगा। ये बाद मई में ट्रंप ने पुष्टि की, हालांकि US WHO तो पिछे हट रहा है तो संगठन विश्वव्यापी सेहत जरूरतों वास्ते फंड देवेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन एक साल में $40 मिलियन देने के बावजूद WHO कंट्रोल में रखता है, जदों कि अमरीका एक साल में करीब $450 मिलियन की ग्रांट दिता है WHO। ट्रंप ने WHO ते कोरोना वायरस नूं पछाणन विच असफल होण दा दोष भी लगाया है ते चीन दी हिमायत करन करके WHO दी आलोचना भी कीती है। अज दीआं खबरां विच इन्ना ही, कल दोबारा मिलांगे, तां तक दे लई धन्नवाद।